साधू संता मागणे हेची आता, साधू संता मागणे हेची आता, प्रीतीला गो गोविंद गुण गाता, प्रीतीला गो गोविंद गुण गाता, साधू संता मागणे हेची आता, साधू संता मागणे हेची आता, प्रीतीला गो गोविंद गुण गाता, प्रीतीला गो गोविंद गुण गाता। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं गिरिजात्मजास्वरदं चिंतामणिं ओधरं ग्रामोराञ्जनके स्थितं गणपति कुर्यात् सदा मंगलं शुभमंगल सावधा। क्या हुआ पार्वती, बहुत जल्दी में जा रही हो? बात ही ऐसी है, सूर्याजी पंत के घर बेटा हुआ है। बेटा? क्या कह रही हो, सूर्याजी पंत ठोसर भाग्यवान ही है। उनका बड़ा बेटा गंगाधर भी बहुत तेजस्वी है। और अभी ये छोटा? रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। आपका बेटा बड़ा ही तेजस्वी है, नाम क्या है इसका? सूर्य नारायण के आशीर्वाद से हुआ है ना, इसलिए नारायण। नारायण। मुगलों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे थे। 200 साल की गुलामी सह चुके मराठी मन को जागृत करने की आवश्यकता थी। उससे पहले लोगों के मन को तैयार करने की आवश्यकता थी। इसलिए नारायण के रूप में साक्षात भगवान हनुमान ने ही सूर्याजी पंत के घर जन्म लिया। समय के साथ समाज का ये उद्धार करता बड़ा हो रहा था। अरे नारायण, हाँ कितनी मस्ती करते हो, बड़े नटखट हो गए हो आजकल। हाँ। चुप, खुद तो चले गए और पीछे छोड़ गए इस शैतान को। अब तालाब में कूदने की कोई जरूरत थी? मैं कहती हूं थोड़ी सी पढ़ाई करो, लेकिन नहीं होगा तुमसे। माँ, मेरी सब पढ़ाई 2 दिन में खत्म हो गई, फिर बार बार पढ़ाई क्यों करनी है? रुद्र 1 हफ्ते में याद हो गया, वो भी स्वरों के साथ, रूपावली, चक्र समास, वो वहाँ बताए और यहाँ याद हो गए, कंठगत हो गए, तो फिर मैं अब क्या पढ़ाई करूँ? अरे नारायण, लोगों को बुरा लगे ऐसा नहीं करते। पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, ये सच है, पर पिताजी तो भगवान के पास चले गए हैं ना। मतलब कहाँ? मुझे क्या मालूम मरने के बाद सब कहां जाते हैं। तो फिर किसे पता है माँ, मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं। मनुष्य की मृत्यु मतलब क्या होती है, वो कैसे जन्म लेते हैं, इतने छोटे बीज का इतना बड़ा वटवृक्ष कैसे बनता है,
ये किसका कर्तृत्व है? आकाश में चमकने वाली बिजली, ये किसकी शक्ति? अरे अरे अरे, कितने ये सवाल! मेरा ये बच्चा पागल हो गया है। मुझे ये सवाल हमेशा सताते हैं। गुरुजी भी उसका उत्तर नहीं दे पाते, फिर मैं किससे पूछूं? फिर तो हाँ, तुम मंदिर में जाके राम जी से पूछना, वही सबका भार उठाते हैं। हम सब उसी की संतान हैं, उसे ही हमारी चिंता। ए साले, हराम के पिल्ले, बहुत चर्बी चढ़ गई तुमको। हराम के पिल्ले, साले, बहुत चर्बी चढ़ गई तुम लोगों को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण, श्री राम जय राम। अरे नारायण, जय राम नारायण, श्री राम जय राम जय जय नारायण। अरे यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? माँ, मैं उस राम को बुला रहा हूँ। पागल हो बिल्कुल। माँ, जामगांव में मुस्लिम अमलदार येस्कर लोगों को बहुत मारता है। लोग डर के मारे घरों में छुप के बैठते हैं, किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। अरे ये तो पारतंत्री, यहाँ उनका ही राज है। पर उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता। कौन क्या करेगा? शत्रु की ताकत बड़ी। महाराष्ट्र के वैभव का, धर्म का, स्वातंत्र्य का, वर्चस्व का भी विनाश हो गया है। लोगों के पर टूट गए, उम्मीदें मिट गई, स्त्रियों की लज्जा सुरक्षित नहीं, सौभाग्य सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं। राम राया ने अगर दोबारा जन्म लिया तो ही ये संभव है। माँ, दूसरा कोई हमारी रक्षा करेगा, ये सोच के हम कितनी देर चुप बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए ना। सच है बेटा, हिम्मत की थी, शंकरदेव राय ने हिम्मत की थी, मालोजी भोसले, शाहजी राजे, इन्होंने भी हिम्मत की थी, पर परमेश्वर का अधिष्ठान कम पड़ गया। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। पुरानी हेमाडपंथी यादवकालीन मूर्तियों को तोड़ दिया, गोमाताओं की हत्याएं होने लगी, महाराष्ट्र की आन मिट गई, शौर्य सामर्थ्य नष्ट हुआ, और बाकी रहा 200 साल का घना अंधेरा। पर माँ, उसके लिए हमें ही लड़ना होगा ना। देखो बेटा, राम राया को छोड़ के किसी से कुछ नहीं मांगना। तो मुझे उस राम से मिलना है, वही मेरे सवालों के जवाब देगा। अरे क्या ये पागलपन, राम राया क्या किसी से मिलता है बोलता है? हुँ? देखो, ये हमारे नसीब की बात है, इसे याद रखो। माँ, चिंता करी तो विश्वाची। हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, वो नहीं कभी ऐसे सवाल करते। अब बस तुम्हारा विवाह किए बगैर तुम नहीं सुधरोगे। विवाह? हाँ विवाह। आसन गांव के बोदला पुरकर की लड़की देखी है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारा विवाह हो गया ना, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। पुर्यात सदा मंगलम, शुभ मंगल सावधान।
नन्हे नारायण को विवाह तय होते ही मित्र चिढ़ाने लगे, अब विवाह होगा, बीवी आएगी, पैरों में बेड़ी पड़ जाएगी। संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वाभिमान की अग्नि से प्रज्वलित करने का निश्चय कर चुके नारायण को क्या करे कुछ न सूझ रहा था। भज्जी के सावधान कहते ही नारायण सावधान हो गया, भरे मंडप से भाग खड़ा हुआ। अरे दादा, नासिक यहाँ से कितना दूर है? अरे यही तो नासिक है, थोड़ा आगे घाट है। और वो राम मंदिर? घाट पे दो मुख्य हनुमान का मंदिर है, उसके आगे सीधा गए तो काले राम का मंदिर और उसके आगे सीता माई की गुफा। जय जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। अरे ये बच्चा यहां कैसे? थका मांदा है शायद। बेटे आंखें खोलो, बेटे चलो अंदर चलो, ये प्रभु का ही घर है, निसंकोच चले आओ, चलो। श्री राम, श्री राम, चल। श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्यारे कहां से आ रहे हो और कहां जाना चाहते हो? नहीं बताना चाहते? प्रभु की इच्छा। यहां नासिक में प्रभु का दर्शन किया? हाँ। कैसे लगे प्रभुवर? नासिक में आके मेरा विरस हो गया। यांत्रिकों के भीड़ में, पुजारियों के कर्मकांड में मुझे मेरा राम मिला ही नहीं। प्रभु का दर्शन करना चाहते हो तो अपनी मन की आंखें खोलो, प्रभु बहुत दयालु है, वो सच्चे भक्त को कभी नाराज नहीं करते, उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। श्री राम, 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 श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब सो जाओ, सुबह उठ के बात करेंगे, सो जाओ। श्री राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण उठो, मैं आया हूं। पुत्र इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? याद करो,
मंदिर में तुम मूर्छित हो गए थे, तब तुम्हें एक क्षण के लिए प्रभु का दर्शन हुआ था। बड़े बड़े योगियों को न मिलने वाला उस सगुण सुंदर राम का दर्शन तुम्हें मिला। पर मुझे ये दर्शन हर समय और सहजता से होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कठोर साधना करनी पड़ेगी। लेकिन साधना कैसे करते हैं ये मुझे कैसे पता? साधना कैसे की जाती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें देवयान पंथ का मार्ग स्वीकारना पड़ेगा। सब संत इसी मार्ग पे चले हैं। देवयान मार्ग? मनुष्य देह नारायण का संकल्प होते हुए भी है तो प्रारब्ध की गठड़ी ही। उसमें मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब कुछ समाया है। भरी हुई गठड़ी यानी जन्म, और गठड़ी खाली हुई तो मृत्यु। देह यानी देवताओं का यान यानी देवयान मार्ग। लेकिन हनुमान प्रत्यक्ष साधना कैसे करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण आचरण वाणी पंडित की और आचरण शैतान का, ये ठीक नहीं। इंद्रिय नियंत्रण और मन की शुद्धि सबसे पहले। इसके लिए कठोर निश्चय और तपश्चर्या महत्वपूर्ण। वाणी पे और इंद्रियों पे नियंत्रण रखने से उत्साह बढ़ता है। पूजा पाठ, ध्यान, जप तप, तीर्थाटन, स्वाध्याय, सत्संग, योगासन, आहार पे नियंत्रण, इससे मन की शुद्धि होती है। कर्तव्य कर्म करना, अधिकारों को भूलना, उपेक्षा न करना, अपेक्षा न रखना, परिस्थिति जन्य विवेक और कठोर वैराग्य से साधना होगी और प्रभु रामचंद्र का सहवास मिलेगा। चलो अब तुम्हें गायत्री का पुरस्करण कैसे करते हैं ये बताता हूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। स्थूल देह की स्थिति में काला रंग दिखेगा, सूक्ष्म में लाल रंग दिखेगा, तो देह में पीला रंग और महाकरण में श्वेत वर्ण दिखेगा। पहले कठोर नाद सुनाई देगा। फिर कोमल सौम्य सुनाई देगा। और आखिर में मधुर सूक्ष्म नाद सुनाई देगा। ये नाद प्रकाश का प्रलय मतलब विलय। यह है विमुक्त का यानी मेरा लंका प्रवेश। यही अनाहत नाद तुम्हें ब्रह्म स्थिति में ले जाएगा। आज्ञा चक्र का द्वार खोलना यानी मेरा लंका दहन। उसमें सीता माई अर्थात सत्य छुपा होता है। यह त्रिपुर सुंदर यानी कर्म शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति का समन्वय है। प्राण और ब्रह्म की एक रूपता यानी महाविश्रांति, यही मेरा और सीता माता का संवाद। अभी राम स्वरूप हनुमान सीतामय हुआ। नारायण, रामायण का गूढ़ अर्थ मैंने तुम्हें समझाया। अब से तुम राम के दास बन गए, रामदास हो गए, रामदास हो गए, रामदास हो गए, रामदास हो गए। अब तुम्हें पूरा विश्व प्रेम रूप दिखेगा। सृष्टि, पशु, वस्तुएं सब प्रेममय हो जाता है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श राममय हो जाता है। रहेगा सिर्फ राम, राम और राम, हे राम। रामदास आंखें खोलो, तुम्हारा राम तुम्हें मिलने आया है। प्रभु,
आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। परंतु ऐसे ब्रह्मीभूत स्थिति में अकेले ही जीवन मुक्ति का आनंद उपभोगने वाला स्वार्थी मैं नहीं। इस मराठी मुल्क की स्थिति समुन्दर में भटके दिशाहीन नौका जैसी हुई है। उन्हें उनका नायक मिलना चाहिए, तब तक उन्हें हमें तराशना जरूरी है। मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे शक्ति दो। धर्म ग्रंथ पढ़ना हो तो लिखित प्रत मिलना मुश्किल, सुंदर और सुवाच्य अक्षर में मिलना तो उससे भी मुश्किल। इसके चलते स्वामी जी ने ताकड़ी गांव में रामायण की प्रत लिखने का काम आरंभ किया। अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। महाराज, इस जन्म का आशीर्वाद दिया या अगले जन्म का? इसी जन्म का। महाराज, ये दशपंचक गांव की ब्राह्मण स्त्री है। इसका पति एक रोग से मर गया। इसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई है और आपने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। माते, मैंने जो आशीर्वाद दिया वो स्वयं रघुपति का है। वो विफल नहीं होगा। मैं एक बार आपके पति को देखता हूं। आप तो साक्षात परमेश्वर हो, आपने मेरे पति को नया जीवन दिया है। कुलकर्णी, तुम्हें 10 अपत्य होंगे।
तुम दशपुत्रे नाम से जाने जाओगे। सराजवर्यात् मज आत्मवंतम् गुणाभिरामं नरलोककांतम् रामं हृदेवार्हसि लोकनाथम् महाभिषेक्तुं युवराज मुख्यम् श्रीराम श्रीरस्तु श्रीरामार्पणमस्तु। श्री शक संवत 1544 दुंदुभिनाम संवत्सरे माघ शुद्ध त्रयोदशी रवौ अस्मित शुभ दिने रामेण रामदासेन लिखितमिदं पुस्तकं श्री रघुनाथार्पणमस्तु। श्री रमाकांत प्रीतो भवतु। महाराज, आपके आशीर्वाद से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। महाराज, जब ये पेट में था तभी मैंने संकल्प किया था, इसलिए इसे आपकी सेवा में लाई हूं। आज से ये पुत्र आपका हुआ महाराज। अरे हम अरण्यवासी सड़ा फटिंग, हम इसे कैसे संभालेंगे? ये तो आप ही जानते हैं महाराज। इसका नाम क्या है? शिवराम। हम इसका नाम बदलते हैं, आज से इसका नाम उद्धव। बच्चा बड़ा होने तक आपके पास ही रखिए। महाराज, आज तक हम आपको एक सामान्य तपस्वी समझ रहे थे, पर आप तो सचमुच समर्थ है। महाराज कृपा कीजिए, हमें बचाइए। महाराज, मुगलों के अत्याचारों की तो कोई सीमा ही नहीं रही। अरे मगर हुआ क्या? दिन दहाड़े एक मुस्लिम सरदार इसकी पत्नी को ले गया और किसी ने उसे नहीं रोका। उस वक्त सब डर गए थे महाराज। महाराज चमत्कार कीजिए, मेरी पत्नी को ले आइए। अरे मैं कोई चमत्कारी महंत नहीं। महाराज पिछले साल आपने एक मरे हुए को जिंदा किया था। अरे वो उस राम की कृपा। महाराज उसी राम राय को हम पे भी कृपा करने के लिए बोलिए महाराज। अरे बाबा, जिसने स्वयं अपने बल पे रावण की कैद से अपनी पत्नी को छुड़वाया, उसकी आप जैसे नामर्दों के लिए प्रार्थना करूं? अरे कैसे होगा ये अन्याय होते समय किसी ने हाथ में तलवार लेके उसे रोका क्यों नहीं? किसी की पत्नी हरण की, किसी का धन चुराया, भगवान की मूर्तियां तोड़ी और आप हाथ पे हाथ धरे नामर्दों जैसे रोते रहे, इस सब का बदला क्यों नहीं लिया? अरे चेहरे पर इतनी बड़ी मूछें किस लिए रखी है? क्या होगा, नष्ट हो जाओगे? अरे स्वाभिमान से आया मरण इस लाचार जीने से कई श्रेष्ठ है। जाओ बाबा जाओ, नामर्दों जैसे रोने वालों की सहायता प्रभु राम कभी नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ दोष देके कुछ नहीं होगा, इनके मरे हुए मन में जागृति लाने के लिए शक्ति के देवताओं की स्थापना करनी होगी, भ्रमण करना होगा, पूरे राष्ट्र को संदेश देना होगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्य बोधत नौजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। इंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम।
जय जय रघुवीर समर्थ। अरे बहु, भिक्षेकरी आया है, उसे भिक्षा दे दो। ये भिक्षा मांगने वाला भिक्षेकरी नहीं है माँ, कौन हो तुम? हाँ, मेरा नारायण तो नहीं ना? हाँ माँ, मैं नारोबा। कितने सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी मैं, सब मुझे पागल कहते थे, पर मुझे मालूम था मेरा नारायण एक दिन जरूर वापस आएगा। कितना बड़ा हो गया है तू। 24 साल हो गए माँ मुझे यहाँ से गए हुए। हाँ बिल्कुल, लगता है जी भर के तुम्हें देख लूं, तुम्हारा रूप आंखों में भर लूं, उसे आंखों में बंद करके ही आंखें बंद कर लूं। लेकिन ये तो भाग्य में नहीं। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा, राम राया निश्चित तुम्हारी सहायता करेगा। अरे मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मेरा नारबा मुझे दिख रहा है। श्रेष्ठा बहु, आओ जल्दी आओ, देखो देखो मेरे नारबा ने क्या चमत्कार किया है, देखो मेरी आंखें लौटा दी, मैं देख सकती हूँ। हाथ में यज्ञोपवीत क्यों लिया? दीर्घ काल बाद किसी से मिलना परमेश्वर साक्ष्य से होना चाहिए। यज्ञोपवीत में गायत्री देवी और सूर्य का तेज होता है। नारबा, अरे विवाह से भाग गए तो अभी मिल रहे हो, बहुत हुआ तुम्हारा भटकना, अब हमेशा यही रहना, गृहस्थी संभालना। अब फिर से जिद मत करो माँ। तुम्हारी एक जिद की वजह से एक बेचारी लड़की का जीवन उध्वस्त हो गया, तब उम्र कम थी इसलिए, नहीं तो वो नौबत ही नहीं आने देता। पर अब मुझे मत रोको, हमारे मार्ग हमें दिख रहे हैं, रास्ते भी निश्चित हो गए हैं। कोई रामदास शादी से भाग जाता है तो कोई तुकाराम गृहस्थी में रहकर भी विरक्त रहता है। जैसे पानी में कमल को पानी का स्पर्श भी नहीं होता। चलता हूं मां, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारे अंतकाल में तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारा दर्शन लेने जरूर आएगा। उद्धवा, आज हमें मिलने एक महान विभूति आने वाले हैं। कौन महाराज? देहू गांव के तुकाराम महाराज। जगतगुरु तुकाराम महाराज? हां, देहू के इंद्रायणी का डोह भी स्तिमित हुआ, एक वाणी ने
अपना व्यवसाय छोड़कर भागवत धर्म की वीणा उठाई और लोगों को धर्म बताने से पहले वो स्वयं धर्ममय हो गए। माझिया मी पणावरी पड़ो पाषाण, जड़ो हे भूषण नाम माझे। काम क्रोध आम्ही अर्पिले विठले, आवडी धरिली पाया सवे। आता कोण पाहे मागे हो परतोनी, विसरुनी गेले देह भान। आता कोण पाहे मागे हो परतोनी, विसरून गेले देह भान। विठ्ठल 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 विठ्ठल। आइए तुकाराम महाराज आइए, आपके जैसे थोर विठ्ठल भक्त का दर्शन हुआ, जीवन कृतार्थ हो गया। स्वामी आपकी राम भक्ति भी बहुत महान है। जन जागृति और धर्म जागृति ये आपका कार्य अवर्णनीय है। देश भर की पदयात्रा में धर्म के बारे में एक बात प्रखरता से नजर आई कि गुरु संस्था गुरु परंपरा ही भ्रष्ट हो गई है। जो विश्व को मार्गदर्शन करता है अगर वही भ्रष्ट हो जाए तो सामान्य जनता क्या करेगी। सामान्य जनों की स्थिति नेतृत्वहीन हो गई है स्वामी। हमारे यहां बकरियों की संख्या बहुत है, एक बकरी दूसरी के पीछे गई तो सब वही जाएंगे, फिर आगे गड्ढा है या खाई इसका विचार नहीं। इसीलिए तो उन्हें सब कुछ सिखाना चाहिए। आप वो अभंग और वारी के माध्यम से करते हैं। स्वामी मुख में राम और मन में हनुमान, आपकी हनुमान भक्ति मारुति राया की भक्ति बलोपासना, इन सब का इतना प्रसार हुआ है कि इस मावल प्रांत के सभी युवा हमेशा कहते हैं, समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। सच बताएं तो हमें भी आपके जैसा एकांत प्रिय है, परंतु इस परचक्र में लोगों के मन को तराशना जरूरी है। स्वामी ये समय ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे पूरब में सूर्योदय होता है वैसे शिवबा ने इस धरती पर जन्म लिया है। हाँ शिवनेरी पर पैदा हुआ वो सोना अब चमकने लगा है। 150 वर्ष के अत्याचार को उत्तर देने के लिए इस भूमि ने राम राया का कृष्ण का अवतार लिया है। स्वामी शिवबा तो अवतारी है, युगो युगो में क्वचित ही ऐसा कोई अवतार धरती पर जन्म लेता है। दास डोंगरी रहतो उत्सव देवाचा पाहतो। महाराज क्या हुआ कल्याण? महाराज भैरोबा के मंदिर में ये एक मुर्गे की बलि दे रहा था। तुम्हारी अंधश्रद्धा के लिए मुर्गी का बलि देते हुए शर्म नहीं आई? शर्म कैसी, ये तो भगवान का काम। भैरोबा को नवस किया था ना, वैसा करना पड़ता है महाराज। ठीक है, कल रात भैरोबा ने मेरे भी स्वप्न में आकर एक जानवर बलि देने के लिए कहा था। अच्छा हुआ मिल गए। कल्याण कुल्हाड़ी लाओ। महाराज महाराज मत मारो। प्राण सिर्फ तुझ में है और उन मुर्गियों बकरियों में नहीं। कोई भी भगवान जानवरों को मारने को नहीं कहता, ये तुम लोगों की अंधश्रद्धा है। भगवान के नाम पर बेचारे जानवरों का बलि दोगे तो घोर पाप लगेगा, याद रखो। चलो निकलो यहां से। महाराज ये प्रजा ही अंधी है, सिंदूर लगाया पत्थर देखते हैं तो माथा टेकते हैं। चखाई मखाई भैरोबा भूतोबा कुछ न पूछिए। इन्हें एक अच्छे देवता की आवश्यकता है। जी महाराज,
इस सफर में राम मंदिर तो होना ही चाहिए। अंगारपुर के डोह से निकली हुई राम मूर्ति के लिए मंदिर होना चाहिए। मांड नदी के कुंभार डोह के पास मंदिर की शुरुआत करते हैं। इस साल रामनवमी उस मंदिर में ही मनाएंगे। जो आज्ञा महाराज। समर्थ, पांडवगढ़ के देशमुख आए हैं आपसे मिलने। नाम क्या है? धुमाड़, सुभान राजे धुमाड़। 12 साल से देशमुखी है हमारे पास। एक इच्छा है महाराज, बस एक बार आपके चरण कमल हमारे गांव में लाइए। आएंगे। वतन किसने दिया? अरे वो तो निजाम के जमाने से है हमारे पास। बाद में आदिलशाही आई, फिर उनसे भी मिली देशमुखी। वाई प्रांत का सुभा कौन? अफजल खान साहब। अफजल खान साहेब, सुभान राजे आपसे एक राजनीति का प्रश्न पूछे। हाँ तो पूछिए ना, ये तो आपका अधिकार है। आपके ये अफजल खान साहेब ये महाराष्ट्र पर आक्रमण करने वाले हैं। हाँ सच है। तुलजापुर, पंढरपुर के मंदिर उन्होंने उध्वस्त किए, मुल्क तहस महस कर दिए, क्या यह सच है? जी बराबर है। देशमुख, आपकी कुल देवता कौन सी? भवानी, भवानी माता। अफजल खान ने आपके कुल देवता को, मां को पीड़ा दी, उध्वस्त किया, फिर भी तुम उसकी ही नौकरी कर रहे हो? स्वामी, स्वामी आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहता हूं, उस खान के पास आप ईमान से नौकरी करते हो और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? अपमान, धोखेबाजी। हम यहां हर गांव से नौजवान तैयार कर रहे हैं, स्वराज्य के खातिर लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मरे हुए मन जीवित कर रहे हैं, और आप, आपके जैसे होनहार लोग फिर भी शत्रु की नौकरी में संतुष्ट है, ये ठीक नहीं लगता। फिर हम क्या करें? वहां वो शिवबा जी जान से स्वराज्य के लिए लड़ रहा है, उसे सहाय करना है। शत्रु ने दान में दिए हुए जागीर के टुकड़ों का मोह छोड़ के स्वराज्य के लिए लड़ना है। वो सब सच है, पर अब किंतु नहीं और परंतु नहीं, अपने आदमी के शौर्य का अपने लिए ही उपयोग होना चाहिए। हमारी कुल देवताओं को इतनी पीड़ा देने वालों को हमें ही शासन करना होगा। शिवबा के रूप में आपको एक नई आशा मिली है, उसकी ताकत बढ़ाओ, फिर हमें घर बुलाओ, हम आपके घर आनंद से आएंगे। महाराज, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। महाराज मुझे माफ कीजिए महाराज। नहीं नहीं, अब बस हो गया, अभी जाके मैं शिवाजी महाराज से मिलता हूं। खान की ताकत भी बहुत है, शिवबा की ताकत बढ़ानी होगी। Yeah.
कुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो आम्ही काय कुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो आम्ही काय कुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी परोपकाराची या राशी उदंड घडती जयाशी ज्याचे गुणवैभवासी तुलना कैसी नरहरी हयपती गजपती गणपती पुरंदर आणि शक्ती पृष्ठभागी यशवंत कीर्तिवंत सामर्थ्यवंत वरदवंत पुण्यवंत आणि जयवंत जाणता राजा या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे तुमचे देशी वास्तव्य केले परंतु वर्तमान नाही घेतले ऋणानुबंध विस्मरण जाहले काय नेमो उदंड राजकारण तटले तेथे चित्त भागले प्रसंग नसता लिहिले क्षमा केली पाहिजे मां साहेब आज तक बहुत संतों का दर्शन लिया उनकी सेवा भी की लेकिन स्वामी रामदास के दर्शन का अवसर नहीं मिला ये सच है शिवबा राजकारण और युद्ध इन दोनों में भी संतों की योग्यता भूलनी नहीं चाहिए रामदास स्वामी की वजह से कई सारे लोग स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं ऐसे राष्ट्र संत की इतने दिनों में आपने भेंट नहीं ली मां साहब क्षमा कीजिए हम इसी वक्त स्वामी के दर्शन के लिए जाएंगे राजे अभी आपका पत्र मिला और तुरंत आप भी आ गए इतनी जल्दी क्यों की स्वामी बहुत दिनों से आपके दर्शन की इच्छा मन में थी आज वो पूरी हुई स्वामी राजे कई साल से हम आपके देश में रह रहे हैं और आज आपको हमारी याद आई गुरुदेव हम आपके अपराधी हैं गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए नहीं नहीं राजे आप दहकती हुई अग्निशिखा समान है अपराधों का दोष आपको छू भी नहीं सकता गुरुदेव एक इच्छा है कि आपका अनुग्रह मिले ठीक है हम यहां स्वामी जी के शिष्य हैं उनके साथ रहेंगे उनके साथ खाएंगे मां साहेब को हमारा संदेशा दीजिए हम 4 दिन शिंगणवाड़ी में स्वामी जी के साथ हैं जैसी आज्ञा महाराज उद्धव अनुग्रह की तैयारी करो करता हूं महाराज परंतु एक प्रार्थना है बोल राजे जब तक यहां है तब तक आप भिक्षा के लिए ना जाए वो क्यों अब कैसे बताऊं राजे अगर आपके साथ भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकले तो प्रजा को परेशानी होगी ठीक है राजे सत्य का अवलंब करोगे तो आपको स्वानुभव की निज सुख की प्राप्ति होगी स्वानुभवाचे पालवी शून्य काळीवे आघवी सधन हरपले गगन सहज गगन ते सधन सदा शुद्ध स्वप्रकाश अवकाशा विणे आकाश
रामे रामदास म्हणे स्वानुभवाची ही खूण। स्वामी, आपने हमें सनात किया। कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के इस निजानंद में हमेशा के लिए वास करें। नहीं राजे, ये स्वराज्य स्थापित करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। इसके लिए दिन रात मेहनत करना यही तुम्हारा निज सुख है। राजाओं ने कर्मकांड में नहीं उलझना चाहिए, राजकारण और युद्ध यही उनका धर्म। स्वधर्म के लिए प्राण देना यही उनकी मुक्ति। धर्म कारण से समाज कारण के लिए हम समर्थ हैं। जैसी आज्ञा महाराज। क्या हुआ स्वामी? दासबोध लिखने का काम छोड़कर आप क्यों आए? सब शिष्यों को इतने जल्दी क्यों बुलाया आपने? देखो, रघुपति के मन में सबकी परीक्षा लेने की इच्छा है। क्या हुआ स्वामी? शिवराया को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंद करके रखा है, ऐसी खबर मिली है। तो अब हमें सबको बाहर निकलना होगा और डरी हुई जनता को एक ही संदेश देना होगा। उन सबसे कहे धीरज रखिए, जरा भी डरने की जरूरत नहीं। उद्धव, वेणुबाई, अक्काबाई, आप भी बाहर निकलिए, सारा प्रदेश जगाइए। हमारे साथ अकेला कल्याण रहेगा। स्वामी, आपके खांसी की व्यथा? पहले देश बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। ये शरीर परमार्थ की सेवा में लगाओ। देह परमार्थ ही लाविले, तरीच ह्याचे सार्थक झाले, नाही तर व्यर्थची गेले, नाना आघाते मृत्युपंथे। मैं रायगढ़ जाकर माँ साहेब की भेंट लेता हूं, वो चिंता कर रही होगी। जय जय रघुवीर समर्थ। माँ साहेब, कैसी हो आप? स्वामी, आपको तो सब पता है। बताने की जरूरत नहीं, हमें भी पता है। आपने तो उसे प्रत्यक्ष जन्म दिया है, लेकिन राजे हमारा भी सर्वस्व है, इसलिए राज्य में हम भ्रमण कर रहे हैं, जनता को हौसला दे रहे हैं। स्वामी, हमारे शंभू राजे को भी वहां कैद करके रखा है, इसकी चिंता है। चिंता ना करे माँ साहेब, रघुराय को चिंता है, हनुमंत राजा के साथ है, इसका भरोसा रखिए। स्वामी, आपका आशीर्वाद होते हुए डर किस बात का? शिवा उस कैद से जरूर वापस आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, शिवाजी महाराज मुगलों के कारावास से सुरक्षित घर वापस आ गए। गवाए हुए सारे किले उन्होंने औरंगजेब से फिर से जीत लिए। स्वामी समर्थ का स्वप्न अब पूर्ण हुआ था, बचपन से की गई साधना अब फलरूप हो रही थी। पारतंत्र का धुआं छटकर अब स्वतंत्रता का प्रकाश आ रहा था, हिंदवी स्वराज्य का प्रकाश। स्वामी जी के प्रिय शिवबा का राज्याभिषेक हुआ। शिवबा के हिंदू हृदय सम्राट क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस।
पर गो ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की राज्य जाने रघुनाथाचे राज्य जाने रघुनाथाचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे राज्य जाने रघुनाथाचे राज्य जाने रघुनाथाचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे नानारत्नाचे डोंगरा नानारत्नाचे डोंगरा नानारत्नाचे डोंगरा अमृताचे सरोवर अमृताचे सरोवर भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे राज्य जाने रघुनाथाचे राज्य जाने रघुनाथाचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे पृथ्वी अवघी सुवर्णमय पृथ्वी अवघी सुवर्णमय पृथ्वी अवघी पृथ्वी अवघी पृथ्वी अवघी पृथ्वी अवघी पृथ्वी अवघी सुवर्णमय कोणीकडे न्यावे काय कोणीकडे न्यावे काय भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले भक्तांचे राज्य जाने रघुनाथाचे राज्य जाने रघुनाथाचे भाग्य उदेले भक्तांचे भाग्य उदेले